देखो तानिया आके इंतजार कर रही है। तानिया सुनो ना, ये चुक भी है, ये चुक केमिस्ट्री का भी क्लास कल किया। तो बोलो ना उसको, ये भी क्यों नहीं आया आज रे? देखो अपने ट्यूशन का फायदा क्या है, अगर तुम्हारा पेट दर्द रहे, सर दर्द रहे, माथा दर्द रहे, फिर भी तुम्हारा क्लास नहीं छूटेगा। देखो तुम लोग को मैंने मारा, अब तुम लोग अफसोस मत करो, मुझे बहुत अच्छा है, ठीक है, खत्म करो। मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में, मतलब तुम्हें इस बात का दुख हो रहा होगा कि सर को मैंने दुखी कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम लोग को मारा। सीरियसली मजाक में मार तो हर बच्चे को, चलो कोई बात नहीं, मरना जरूरी है, कोई बात नहीं। कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफिनिट टू आर वेक्टर ई नॉट डी आर, ये लिखा था ना, ठीक है। इसके आगे याद करते हैं, अगला हेडिंग दीजिए, नहीं हेडिंग है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला है, नहीं इसको बस वैसे याद रख लीजिए, डेरिवेशन करेंगे लेक्चर में पढ़ जाएंगे, आता नहीं है ये सब, बुक में भी नहीं करके दिखाया, डायरेक्ट ले लिया। मैं करा सकता हूँ परंतु फाल काम का नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मैं बता देता हूँ कि कैसे आया। इज इक्वल टू क्या था, डी वी अपॉन डी आर था, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी क्या था, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज था, तो अगर यहाँ से हम देखें तो डी वी इज इक्वल टू ई डी आर होगा, यही तो है। इसी को इंटीग्रेट सुन ना रे, इसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, इधर देख, अब बोल रहे हो इधर देख, तो तुम भी बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा, वी आ जाएगा, आ जाएगा इज इक्वल टू ई तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन को रहने दिया, इंटीग्रेशन साइन को रहने दिया, और यहाँ पे ले लिया, अंदर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, इसमें अंदर ही था डी आर है ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया इनफिनिट से लेके आर वेक्टर तक, डिस्टेंस क्या था आर वेक्टर, तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया पोटेंशियल होगा मतलब आर डिस्टेंस पे, आया बस समझ में, इसी को बस मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा गया, ये होगा इसका डेरिवेशन, सर माइनस ही था, माइनस डी वी बाई डी आर माइनस ही था, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वही माइनस यही दिन भैया हो गया डेरिवेशन, लेकिन हो तो गया वहीं से तो आ गया, इसलिए मैंने बोला ये रिलेशन सीधा याद रखो, आया कैसे ये मैंने बता दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो था ना तुम्हारा, ये क्या है, इस तरह का क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, डी आर है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस है ना, वही वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला को ही इंटीग्रेट करके ये बना, तो ये हो गया शॉर्ट डेरिवेशन। आप बाकी पॉइंट वगैरह लेके जो डेरिवेशन करेंगे तो जाएगा डेल्टा का, तो इसलिए नहीं, बुक में इतना बता रखा था, लिखोगे इसको, अच्छा सा कहीं पर कुछ दिखाना गया तो बोल देना। इनफाइनाइट से आर वेक्टर तक, हाँ माइनस है ना, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है ना, फॉर्मूला पढ़े थे ना, इसका तो प्रूफ भी था। आर वेक्टर है क्या, डिस्टेंस है ना, तो तुम जो पोटेंशियल निकाल रहे हो, पोटेंशियल निकाल रहे हो किसी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, स्मॉल डिस्टेंस, ये डी आर है तुम्हारा, ठीक है, ये डी आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्यू नॉट है, ठीक है, मतलब डी मतलब ये हम मेंशन कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी है, तो भी लिख देते तो पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ का पोटेंशियल, दो चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन क्या है, सेपरेशन मतलब कितना डिस्टेंस है नहीं पता, तो इसलिए आर वेक्टर एडमिट कर दिया, ताकि उनसे ये आइडिया लग जाए कि भाई ये जो चार्ज है ना, मतलब जो आर डिस्टेंस दूर है, आर वेक्टर इसको एडमिट कर दिया, मतलब ये वेरी कर सकते हैं, मतलब ये भी वेरी कर सकते हैं, और इसको मतलब आर वेक्टर तक इंटीग्रेट कर, मतलब ये भी ही है, बस ब्रैकेट में आर लिखा, ये फॉर्मूला नहीं है, बस जैसे नहीं सॉलिड स्टेट के बारे में बता देते हैं, लिक्विड स्टेट बस ये बस छोटा सा आर ऐसे लिखा हुआ, बस अब समझ में, फॉर्मूला में लिखेंगे तो वी लिखे, वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इसी से हो जाएगा, समझ गए। लिखिए क्वेश्चन 3 पॉइंट ए बी एंड सी
थ्री पॉइंट ए बी एंड सी लाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रैकेट में लिखो ई कैपिटल ई, लिख लिए। अब 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बोले, ठीक है। अब 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, पहले 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अभी देखो ए एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया बंटी, ए एंड सी के बीच में बोला ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो आर वेक्टर जो हो गया मतलब ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस हो गया, हो गया ना, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा था तभी, ठीक है। तो मान लो फिगर दिया हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देखो ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे तीन पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी एस ओन इन फिगर, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया मैंने, ऐसे करके तीन पॉइंट दिए, इन तीनों को हमने क्या किया, मिला दिया, क्या किया, मिला दिया, ये है ए, ये बी, ये सी, ये फिगर में दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों को मिला दिया। फिगर में एक चीज़ और दिया गया है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ए सी, ठीक है, और बी सी जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन है तुम्हारा, गिवन बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुमको तो पता चले गया कि 4 आएगा, 3-4-5 का ट्रायंगल बनता है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब समझ में है, निकाल के नहीं दिखाई क्योंकि तो तेरे को आ ही जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इल्लेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है सानिया, पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है, घटता है, बिल्कुल सही बताए। मतलब इधर की तरफ अगर देखा जाए तो बी तो पोटेंशियल कम होगा, ये तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, ई का डायरेक्शन इधर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर आएंगे मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब अगर बात कर जाए क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में पूछा, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल बी और सी के बीच में देख लेते हैं, बी और सी के बीच में मतलब वैसे चेक कर लें। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, अब ये क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी मतलब दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है, कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलरली होता है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा, लेफ्ट राइट जाने से घटेगा बढ़ेगा, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे कि नहीं। हाँ देखो पॉइंट जो तुम्हारा है, तुम्हारा पॉइंट बी एंड सी ये क्यों होगा, बी एंड सी लाए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसलिए। लेकिन क्वेश्चन में ये तो हमने वैसे लिख लिया जानने के लिए, क्योंकि ये काम आ सकते तुम्हारे। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, नहीं इसका भी यूज किया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी मतलब बी ए माइनस बी सी पूछा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। एक काम कर, सुन, तू इधर आ गया, तू इधर पे जा रहे, कोई इधर की सकता अकेले उसको पीछे बिठा दिए। अब वो बोलेगा हम भी तो अकेले, अरे बैग हटा ले भाई, वो बैठेगी, तू उधर जा ना, इस बैग को इधर रख ले। उसको भी इधर रख ले, कोई बात नहीं, इधर रख देंगे ना, तू घिसकेगा ना। मर्यादा का भी तो पालन किया जाएगा ना, हर बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं करते ना बॉयज के साथ बैठने में, सही है ना। चलो ठीक है रतन, ठीक है यहाँ से, हाँ तुम अच्छी जगह पे बैठा है, पीछे जगह का पंखा बंद कर दे तो, क्या फालतू का चल रहा है। हाँ वो तो पंखा ठीक कर, रतन को भी हवा लगना चाहिए ना, उसके लिए व्यवस्था कर दिया गया। नहीं लगना चाहिए, चाहिए ना, हवा नहीं चाहिए। हाय तेरे, मैंने तेरे लिए अपना सिस्टम चेंज किया, मतलब तुमको गर्मी नहीं चाहिए। तो जब सी पे और बी पे इक्वल है तो हम सी की जगह पे बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, नहीं समझे ना, समझ गए। हाँ तो वी सी माइनस बी बी, सी पे पोटेंशियल जो होगा, गलत लिख दिया, वी ए माइनस बी बी, हाँ ये सही हुआ, वी ए माइनस बी बी। अब क्या करोगे, मतलब वी ए माइनस बी बी क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल तो दिया हुआ नहीं है, तो पोटेंशियल जो मतलब डेल्टा भी जो था वो क्या था, ई डी आर, क्या था, डेल्टा भी इज इक्वल टू ई डी आर, ऐसे भी था, मतलब ई इज इक्वल टू ऐसा था ना, वेलोसिटी वेरिएंट ये था ना। तो तुम जो क्या करोगे, ये माइनस साइन, माइनस साइन को लेकर मत चलो, तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। बोलोगे सर माइनस कल, माइनस बताता है डायरेक्शन वगैरह, मतलब कभी क्या होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, ज़्यादा माइनस कम, प्लस में आएगा आंसर, कम माइनस ज्यादा माइनस में आएगा। तो वो जो हमने केस डिराइव किया था वो इस फिगर के हिसाब से किया था, तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, प्लस माइनस अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से डालेंगे। आए बात समझ में, जैसे कल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, माइनस देखने से हम उसको प्लस कर ले रहे थे, आए बात समझ में। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू ई डी आर बजेगा, ये क्या है, डी वी तो है, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई इंटू डी आर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, माइनस को भुला दो, मैंने बोला माइनस को भुला दो, माइनस का यूज तब होगा जब लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल होगा, तब ना माइनस होगा, यहाँ पे हाई से लो हो रहा है, ज़्यादा किधर पे है, ए पे है, कम बी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होता है, तो वी ए माइनस वी बी किया मैंने, तो देखो ये वी ए माइनस वी बी क्या है, ये है डी वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी ए बी, ये क्या है डेल्टा वी ए बी, ये चीज़ मैं समझाने की तुम्हें कोशिश करो, ए बी के बीच में डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, यही तो वी ए माइनस वी बी, मतलब डी वी, डी वी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई डी आर होना चाहिए, ई डी आर होना चाहिए। हाँ बोलिए, नहीं होगा, ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या होगा, डी वी क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं, ई डी आर लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो वी ए माइनस वी बी, हाँ सॉरी पोटेंशियल गलत बोल दिया, अभी वेलोसिटी पढ़ा रहे थे इन लोग को एलिमेंट वाले को, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, ई डी आर होगा ना, ये क्या है वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ई डी आर होगा। अच्छा ये कितना दिया हुआ था, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³, ये सब साइड में लिख लेना, ये थोड़ा सा हेल्प देगा तुम्हें जब प्रैक्टिस करोगे। तो फिर डिस्टेंस का दोनों का ऐड होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए और सी के बीच में, तो हमने बोल दिया कि तो डिस्टेंस कौन सा लोगे, हाँ ये भी मैंने रखते, डिस्टेंस कौन सा लोगे, तो हमने ए और बी के बीच में यहाँ पे कर लिया ना, ए सी था तो ए बी कर लिया, ए बी के बीच का डिस्टेंस मिल गया 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई, ये डी आर, ये तो क्या डी आर, डी आर क्यों लिखे थे हम, ध्यान से सुनो, डी आर क्यों लिखे थे, स्मॉल डिस्टेंस था डी आर, अगर बड़ा डिस्टेंस ही होगा तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर, स्मॉल डिस्टेंस तो है, तो 4 सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा,
फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। समझ में आया सबको? सही से दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कितना जगह से सॉल्व करोगे? 200 पूरा एग्जैक्ट 200 वोल्ट आ गया, 200 वोल्ट आ गया तुम्हारा। क्या आ गया? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आइए बोलो, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी आया 200, वी ए माइनस वी सी। ये दोनों इक्वल है ना? पूछा था वी ए माइनस वी सी। समझ में आया अच्छे से? वी ए क्या था? वी बी से ज्यादा था। अगर यही चीज पूछ देता वी सी माइनस वी ए क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो यहीं से पता चल गया कि ए में ज्यादा सी में कम है। अगर पूछ देता वी सी माइनस बी ए तो क्या होता? वी सी माइनस बी ए क्या होता? माइनस 200 बस, बाकी कुछ नहीं होता। माइनस 200 वोल्ट नहीं होता। अब पता चल गया माइनस का यूज कैसे करेंगे, मतलब ज्यादा से कम की तरफ है तो माइनस नहीं होगा, कम से ज्यादा की तरफ है तो माइनस। लेकिन बोले तो सर फॉर्मूला, फॉर्मूला में इतना कम से ज्यादा की तरफ है जब वैल्यू वगैरह दिया रहे ना तब माइनस को नहीं लिखेंगे। माइनस अगर कम से ज्यादा की तरफ हो रहा है, जैसे हमने क्या बोला कि अगर पूछ दिया वी सी माइनस वी है तो वी सी वी बी तो इक्वल है, वी ए माइनस वी बी पूछा तो ये तो ज्यादा है ये कम है, देखने से लग रहा है ये इधर पे ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल इधर पे कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे। अगर पूछ दे तो वी बी माइनस वी है, वी माइनस वी है तो ये क्या है? कम है। ये क्या कम से ज्यादा, मतलब माइनस साइन लिखेंगे, ये याद रखना बस। आया समझ में सबको? आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर पे पोटेंशियल कम होगा, इधर पे ज्यादा होगा। तो ज्यादा माइनस कम प्लस है, कम माइनस ज्यादा। वी माइनस वी है पूछता, वी माइनस वी है, माइनस आ गया। बोलो तो सर ये तो वी भी नहीं आ रहा, वी भी इक्वल है इसलिए वी सी माइनस। माइनस है, ज्यादा से कम तो प्लस, बाकी सेम फॉर्मूला ये है। मिटा तू इसे क्या? अगला क्वेश्चन एक और लिखिए करके देखिए। क्या कम से ज्यादा दो? अच्छा ठीक है, कम से ज्यादा दे देता हूँ। A uniform electric field, E vector of 300 Newton per Coulomb is directed along negative x axis. तानिया कौशल इचुक, बाकी ग्रेस कहाँ है? इचुक ग्रेस कहाँ पे है आज? सर पता नहीं, एक बार उसको मैसेज करो था कि क्लास ज्वाइन कर, क्लास में क्यों नहीं है वो? सर पढ़ने वाला बच्चा नहीं लग रहे है। आप क्यों आ गए जी? थोड़ी देर में तो हम आ ही जाते हैं, डेढ़ घंटे में। अच्छा अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्वेश्चन कराते इसके बाद। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम्ब इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, लिख लिए फुल स्टॉप। आगे लिखो, ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट, ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स इन द फील्ड, ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स इन द फील्ड। विशाल के साथ है क्या? अकेले आ गए? ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स इन द फील्ड कॉमा हैविंग एक्स एंड वाई, हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट में लिख दो इन मीटर, इन मीटर कॉमा एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सारे जो लाइन होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी थोड़ा सा बना देते हैं,
ठीक है, पॉइंट जो दिया हुआ है ये इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ए बी ऐसे दिया हुआ है, ये तो ये जीरो हो गया ना, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया तुमको यहाँ पे दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 41, ये है पॉइंट ए, एक पॉइंट मान ले कि यहाँ दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया बी, और ये है 44, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया तुम्हारा नेगेटिव की तरफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे बी बी वाले लाइन पे, मतलब सेम लाइन पे, तो ये हो गया पॉइंट सी, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया तुम्हारा -3 और 4, ठीक है, ये दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दे दिया, हमें पूछ दिया, अच्छा मैंने क्या बोला निकालने कहाँ तक लिखा, सुन इन फिगर ना, आगे लिखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेल्टा वी बी ए, वी बी ए का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी बी ए का मतलब क्या हुआ, वी बी इसका मतलब हुआ, ये लिखना मत, लिखना मत, वी बी माइनस बी ए, क्या वी ए तो बात है समझ में, वी बी माइनस बी ए, हाँ तो तुमने क्या लिखा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेल्टा वी बी ए कॉमा डेल्टा वी सी बी एंड डेल्टा वी सी ए, ठीक है, इसका मतलब ये होता, मैं नहीं बताया, ये तो हिंट हो गया तुम्हारे लिए, हमको तो लगता है तुम लोग इसको ठीक से कर दोगे ना, नहीं कर दोगे, ये माइनस में तो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का 4, और यहाँ पे देखो -3 7 7 हो गया ना डिस्टेंस, आर के जगह तुम मतलब 7 यूज होगा, समझ में आया, और ये दोनों तो सेम होगा, परपेंडिकुलरली है, 4 1 4 4, मतलब वी बी इक्वल टू वी ए, वी बी इक्वल टू वी ए, ठीक है, वी बी ग्रेटर देन वी सी, नहीं हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कमेगा, सही, वी बी ग्रेटर देन वी सी, वी ए भी ग्रेटर देन वी सी हो जाएगा, और वी बी वी ए इक्वल होगा, तीनों चीज निकाल देंगे पक्का कर देंगे, ये करके आप थोड़ा दिखाइए, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद 12 बजे तक अपना क्लास चलता रहेगा, ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसका क्लास मैं कट कर दे रहा हूँ, आप लोग को मैं फिर से मतलब स्टार डाल के मैं मैसेज करूँगा, तो आप लोग को फिर से ज्वाइन कर लेना है 10 मिनट बाद, अब भागना मत कोई, तानिया 10 मिनट ये क्वेश्चन तब तक करो, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना है।